हाँ जी है बाहर ही नहीं आएंगी जो बाहर रहने वाले हैं उनका बाहर रहने वाले बाप के बच्चे नहीं हो सकते क्या? समझो गीता पाठशालाओं में हैं या गीता पाठशालाओं में जाते आते हैं तो वो बाप के बच्चे नहीं हो सकते जिनका पूरा पोता मेल बाप के पास आता जाता है, वो भी तो बाप के बच्चे हैं जो श्रीमत अनुसार चलते हैं। भूकंप आवेगा तो उन बच्चों की सुरक्षा नहीं होगी हैं? होगी हैं? अंदर रहने वाले उन सबकी सुरक्षा होगी ये भी कोई गारंटी नहीं है। तन से अंदर रहे पड़े हैं और बुद्धि बाहर भटकती रहती है तो उनको अंदर रहने वाला कहेंगे या बाहर वाला कहेंगे? बाहर वाले भी हैं, बहुत सी ऐसी बांधेली माताएं हैं तन से बाहर रही पड़ी हैं, लेकिन बुद्धि सोते जागते बाप की तरफ लगी हुई है तो अंदर वाले हैं या बाहर वाले हैं? हैं? जरूर अंदर वाले कहेंगे। लास्ट में ऐसी स्थिति परिस्थिति आवेगी कि बहुत से अंदर वाले बाहर चले जावेंगे और बहुत से बाहर वाले अंदर आ जावेंगे। कल पहले की शूटिंग मिसल जैसे सन 47 में हुआ था। क्या हुआ था? हैं? और 47 से ब्रह्मा का तन में माँ का पात ना गीता में बोलेंगे 18 अध्याय 1950 से 1968 में मूल्य चलेंगे ना 47 से बोलेंगे ना 47 से वाणी तो चली लेकिन वो लिखी नहीं गई, प्रिंट नहीं हुई। लिथो कापियां तब निकली हैं जब कन्याएं माताएं यज्ञ की बाहर जाने लगी, उनको कापियों की जरूरत हुई। तब कापियां निकली तो तब से लेकर के सन 68 तक जो भी छापा गया उसको गीता कहेंगे 18 वर्ष के। और दिव्यवाणी में क्या विशेषता पापा है? दिव्यवाणी में विशेषता क्या है? दिव्यवाणी मिले तब ना, जो पीयू वाणी थी उस समय संस्कृत की गीता के अर्थ बैठ बताते थे। आदि में संस्कृत की गीता थी तो जो आदि में सो अंत में भी प्रसिद्ध हो जाएगा। जब एक गीता की सैकड़ों टीकाएं अलग अलग धर्मों के अनुसार निकल सकती हैं, तो जो सत्य सनातन धर्म है उसके अनुसार गीता की टीका नहीं हो सकती।
हो सकती है या नहीं हो सकती है? हो सकती है। और है क्या हो जाती? एक्सीडेंट हो जाते हैं। ये कोई जरूरी नहीं, ये कोई जरूरी नहीं। अगर लगाव लगा होगा तो प्रवेश करेगी, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि वो उसी घर में जन्म लेगी। यदा कदा ले भी सकती है, पक्का नहीं है कि उसी घर में जन्म मिलता है। और जैसे दो गीताएं हैं, वैसे ही दो काशी भी कही जाती हैं। जरूर एक पुरानी होगी, एक नई होगी। नई बाद वाली है या पहले वाली है? हैं? पुरानी कौन है और नई कौन है? नई बाद वाली है। जो बाद वाली होती है वो डुप्लीकेट होती है या पहले वाली डुप्लीकेट होती है? हैं? बाद वाली डुप्लीकेट होती है। और तुम्हारा शरीर चपेट में नहीं आवेगा। तुम्हारा माने जो योगी होंगे उनकी श्वास प्रश्वास धीमी हो जाएगी या तीव्र रहेगी? धीमी हो जाएगी। जब एकाग्र चित्त हो जाते हैं तो श्वास प्रश्वास की क्रिया बहुत धीमी हो जाती है। तो बाहर के वातावरण का उनके ऊपर उतना असर नहीं होता है। और एटमिक एनर्जी एक साथ फट पड़ेगी या धीरे धीरे बढ़ती रहेगी? भक्ति मार्ग में उसका कोई प्रूफ है? प्रूफ है दीपावली। दीपावली में बम फटाके छुड़ाते हैं क्या? शुरुआत में ही छुड़ा देते हैं या लास्ट में छुड़ाते हैं? पहले धीरे धीरे छुड़ाते, फिर बढ़ते जाते हैं, बढ़ते 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 अंत में सारा ही मसाला डाल देते। जैसे यज्ञ होता है, यज्ञ में पहले थोड़ी थोड़ी आहुति डालते हैं और अंत में सारी ही आहुति डाल देते हैं। ऐसे ही है, जैसे जैसे विनाश बढ़ता जाएगा वैसे वैसे परिवर्तन होता जाएगा। और रासलीला और डांडिया का रास, गुजरात में डांडिया का ये रासलीला का महत्व है रहस्य लीला से।
इसका नाम है राजयोग। इस योग में राज भरा हुआ है। राज कहो रहस्य कहो बात एक ही है। रहस्य का बिगड़ा हुआ रूप है रास। रास लीला कैसी रास लीला, जिसमें हर गोपी को कृष्ण अपने साथ दिखाई देता है। कृष्ण की बात नहीं है, शिव बाबा की बात है। जो भी गोप गोपियां हैं जिन्होंने गुप्त संबंध जोड़ा हुआ है योग की पराकाष्ठा में, अव्यक्त स्टेज में, वो ये अनुभव करेंगे कि बाप हमारे साथ है, हमारे अंग संग है। वो ही रहस्य लीला है, रास लीला है। उस रास लीला में बीच में ये डांडिया रास भी नुदा हुआ है, डंडे का रास। प्यार के डंडे मारते हैं, जैसे शादियों में गालियां देते हैं, ऐसी गाली देते हैं जैसे लगता है डंडे मार रहे हो, पिटाई हो रही हो। ऐसे ही गुजरात से निकलने वाली लक्ष्मी और लक्ष्मी अर्थात विजयमाला के जो भी साथी हैं, पवित्र होने के कारण जो अपवित्र आत्माएं हैं उनको डंडे मारती है। इसलिए भक्ति मार्ग में राधा को बरसाने की राधा कहा जाता है। जो ज्ञान की बरसात करती है, बरसाने वाले डंडे बरसाते हैं, लठ बजाए जाते हैं। वृंदावन में जाकर के ये भक्ति मार्ग में देखा जा सकता है। तो कौन पीटेगा कौन पिटेगा, पवित्र पिटेगा या अपवित्र पिटेगा है? जो अपवित्र होते हैं वो पिटते हैं, परंतु जो पिटने वाले हैं वो अपने सर के ऊपर देह अभिमान का कपड़ा ढेर सारा बांध लेते हैं, साफा बांधते हैं ना। तो साफा के ऊपर लठ बजेगा तो सर फूटेगा क्या? फूटेगा नहीं, फूटे चोट नहीं लगेगी। ये यहाँ की बातें हैं, भक्ति मार्ग में तो स्थूल रूप में दिखाते हैं। और जोर से बोलो, अगर मछली आंसू क्या, अगर मछली आंसू क्रोकोडाइल टीयर्स कहते हैं, घड़ियाली आंसू माना दिखावे के आंसू। जैसे महाभारत में दिखाते हैं पांडवों के लाखा भवन को आग लगी तो शकुनी धृतराष्ट्र और गांधारी के सामने सच्चे आंसू बहाता है या घड़ियाली आंसू बहाता है? हैं? घड़ियाली आंसू बहाता है, अंदर से खुश है कि खूब मरे पांडव, जल गए बढ़िया हुआ, और बाहर से रोता पीटता है, चिल्लाता है। ये दिखाता है कि हमको तो बहुत प्यार था पांडवों से। और
गौरी दत्त वाले एक भाषण में बहुत लोगों को इकट्ठा कर देते हैं, लेकिन बाबा का ज्ञान इतना सुनाने के बाद वो खत्म नहीं होता। बौद्धियों में ज्यादा पवित्रता है कि और धर्मों वालों में ज्यादा पवित्रता है? ज्यादा पवित्रता का पालन कौन सा धर्म करता है? है सन्यास धर्म करता तो है, लेकिन सन्यासी पहले या बौद्ध पहले? और सन्यास धर्म निकला कौन से धर्म से है? बौद्धियों से निकला है। तो बौद्धियों में प्योरिटी की पावर ज्यादा होती है, इसलिए प्योरिटी की पावर से वो एक ही भाषण में 60,000 लोगों को सरेंडर कर लिया। और वही पूछता है यम धर्मराज का वाहन को 22 क्यों देता है? जो धर्मराज है, धर्म का राजा है, वो दंड विधान करेगा या नहीं करेगा? है तो जो दंड विधान किया जाता है, राजा दंड देता है तो राजा ज्यादा बुद्धिमान होता है या जिसके द्वारा दंड दिया जाता है, जिसके कंधे पे धर के बंदूक चलाई जाती है, वो चांडाल ज्यादा बुद्धिमान होता है? है राजा ज्यादा बुद्धिमान होता है और चांडाल भैंस बुद्धि होता है। तो यही विधान है कि जो चंद्रवंशी आत्मा है धर्मराज, धर्म का राजा, धारणाओं का राजा, दादा लेखराज, चंद्रवंश के बाद कौन सा धर्म आता है? इस्लाम धर्म। तो दोनों में कौन बुद्धिमान होता है? चंद्रवंशी ज्यादा बुद्धिमान होते हैं या इस्लामी ज्यादा बुद्धिमान होते हैं? इस्लामी भैंस बुद्धि होते हैं। और एक बात अपने बाबा ने बताई, जहाँ बाबा जहाँ जहाँ प्यार करने आते हैं उसका भी हिसाब किताब है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जहाँ जहाँ क्लास करने आते हैं वहाँ की आत्माओं ने अच्छे कर्म किए होंगे। बाबा किनके पास आवेंगे? है जिन्होंने 63 जन्मों में अच्छे कर्म किए होंगे, उन अच्छे कर्मों का प्रतिफल उनको मिलता है कि उन्हें बाबा मिल जाता है, वो बाबा को पहचान लेते हैं, दूसरे बाबा को नहीं पहचान पाते। कितने भी बुद्धिमान हो, एटम बम बनाने वाले ज्यादा बुद्धिमान हैं या कम बुद्धिमान हैं? ज्यादा बुद्धिमान हैं। उनके पास बाबा नहीं जाता। और जो 84 जन्म लेते लेते पति तमो प्रधान बुद्धि बन पड़े हैं, वो बाबा को पहचान लेते हैं। तो कर्मों का हिसाब किताब है। भक्ति मार्ग माना क्या? भक्ति मार्ग माना भक्ति बुद्धि भागती रहे। कहाँ कहाँ भागती रहे? कान में कुंडल डालना, नाक में नथनी डालना,
सिंदूर रखना, गहने पहनना, ये सभी में बुद्धि भागती है ना। ढेर सारी ऐसी बातें हैं, ऐसे काम हैं जिन कामों को करने से कोई फायदा नहीं, फायदा साबित ही नहीं होता, नुकसान ही साबित होता है, तो भी वो कर्म करते रहते हैं, उसे अंधश्रद्धा कहेंगे या श्रद्धा विश्वास कहेंगे। अंधश्रद्धा से जो काम किए जाते हैं, जिनके करने से कोई फायदा नहीं, नुकसान ही नुकसान होता आया है, उसको भक्ति कहते हैं। बुद्धि भागती रहती है। तीर्थ यात्रा करें, केदारनाथ जावें, बुद्धि केदारनाथ में भागे। रामेश्वरनाथ में जावें, बुद्धि रामेश्वर में भागे। जगन्नाथ में जावें, बुद्धि जगन्नाथ में भागे। तो भक्ति मार्ग में जैसे भागते रहते हैं, मनुष्य के जीवन में हिंदुओं में कितने क्रिया कर्मकांड किए जाते हैं। बच्चा पैदा होता है तब से लेकर मरने तक कितने कर्मकांड करते हैं, उन कर्मकांडों में बुद्धि भागती रहती है। ऐसा करेंगे तो ये होगा, नहीं करेंगे तो वो होगा, प्रूफ और प्रमाण कुछ भी नहीं, उसको भक्ति कहा जाता है। तो पूछा है ये रंगोली जो रखते हैं दरवाजे के सामने, ये भक्ति मार्ग है क्या? अरे उस रंगोली रंगने से कोई फायदा है? है? कोई फायदा नहीं। रखो तो भी कुछ नहीं होगा, नहीं रखोगे तो भी कुछ नहीं। हाँ, टाइम वेस्ट जरूर होता है। भक्ति मार्ग के कोई कर्मकांड हो, उनमें वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी जरूर होता है, वेस्टेज ऑफ एनर्जी जरूर होगा। और ज्ञान मार्ग में, ज्ञान मार्ग के अनुसार, क्योंकि ज्ञान एक ऊंचते ऊंचे बाप से आता है, वो ऊंचते ऊंचे बाप ने जो भी डायरेक्शन दिए हैं कर्म करने के लिए, वो श्रीमत के अनुकूल जो भी कर्म किए जाते हैं उन कर्मों से फायदा ही फायदा है, नुकसान कोई भी नहीं हो सकता, इसलिए उसको ज्ञान मार्ग कहा जाता है। जिन बच्चों ने आत्मिक स्थिति धारण कर ली, आत्मिक स्थिति में टिक गए, उनकी निशानी क्या होगी? अभी कोई आत्मिक स्थिति में टिक गए हैं? है? अभी तो नहीं कहेंगे कि 24 घंटे आत्मिक स्थिति किसी की बन गई। अच्छा, देवान की निशानी क्या होती है? फिर उसका उल्टा कर दो, वो आत्मिक स्थिति की निशानी आ जाएगी। देवान की निशानी क्या होती है? हाँ? अरे जिनमें ज्यादा देहभान होता है उनमें कोई कोई निशानियां दिखाई पड़ती हैं कि नहीं? क्या दिखाई पड़ती हैं? है? ज्यादा ज्यादा धाड़ पाड़ करते हैं, हैं?
माने क्रोध करते हैं, अच्छा लोभ नहीं करते। अरे पांचों विकार आते हैं, विकृति उनके हर कर्मों से दिखाई पड़ती है, विकार ही बनते हैं। जो आत्म की स्थिति धारण करते हैं उनके विकार देखने में नहीं आवेंगे, कोई प्रूफ नहीं मिलेगा। वी माने विपरीत, कार माने कर्म, उनका कोई भी ऐसा कर्म देखने में नहीं आवेगा, सुनने में नहीं आवेगा, और प्रैक्टिकल जीवन में साबित भी नहीं होगा। जिससे ये क्लियर हो जाए कि वो श्रीमत के विपरीत कर्म करने वाले हैं, जो श्रीमत के विपरीत कर्म होते हैं उनसे आत्मा खुद भी दुखी होती है और दूसरे भी दुखी हो जाते हैं। इसलिए बाबा ने वाक्य बता दिए है, आत्मा साकारी है या निराकारी है? निराकारी। निराकारी की निशानी बताई, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी, यही निशानी है। जो आत्मिक स्थिति में टिका होगा, निराकारी स्टेज में टिका होगा, वो निर्विकारी होगा, कोई को दुख देने वाला नहीं होगा, दुख देना उसका साबित नहीं हो सकता। और सच्चा प्यार नहीं मिलता। उसको जितना सच्चा प्यार मिलता है उतना दुनिया में कोई को मिलता ही नहीं है। हैं? हैं? लास्ट में हो सकता है। लास्ट में पहले से नहीं। लेकिन अपने बच्चे, जो बाप के बच्चे वो जानते हैं। सच्चा प्यार सिर्फ एक सत्य बाप के पास है, और एक सत्य बाप जितना नारायणी आत्मा को प्यार करता है उतना और किसी को प्यार करता ही नहीं। नारायण को जितना सच्चा प्यार मिलता है उतना दुनिया में किसी भी आत्मा को प्यार मिलता ही नहीं। और उसकी निशानी क्या होती है? वो बाप के साथ ही रहता है। सच्चे प्यार की निशानी है त्याग। उस आत्मा में सबसे जास्ती त्याग देखने में आवेगा। प्यार की निशानी है त्याग, झूठे प्यार की निशानी नहीं हो सकती। और उत्तर भारत में मंदिर में मूर्तियां गोरा और दक्षिण भारत में मंदिर में मूर्तियां काली क्यों आवा? झूठी बात है, ये झूठी बात है, आपने देखा नहीं है। ये दिलवाड़ा मंदिर और जो जैनियों के दिगंबर मंदिर उत्तर भारत में फैले हुए हैं, वहाँ काली मूर्तियां नहीं रखी हैं क्या? नहीं है? हैं। दिगंबर मंदिरों में काली ही काली मूर्तियां हैं, और श्वेतांबर मंदिर में गोरी मूर्तियां हैं। हिंदुओं में भी काले कृष्ण दिखाए गए हैं मंदिरों में, राम को भी काला दिखाया गया है, महाकाली को तो कितना काला दिखाते हैं।
तो इनके मंदिर उत्तर भारत में नहीं है क्या है? और बाबा ने मुरली में कहा है कि कुत्ता जब हड्डी चूसता है तो उसके मुख से खून निकलता है और उसको अपना ही खून चूसने में आनंद आता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ब्राह्मणों की दुनिया में जब बाबा कुत्ते का मिसाल देते हैं तो कुत्ते जैसी आत्माओं का मिसाल देते हैं या उस जानवर कुत्ते की बात है? जो कुत्ते जैसी आत्माएं हैं, कुत्ते की तरह विविचारी आत्माएं हैं, कामी आत्माएं हैं, वो जब काम विकार से आनंद लेती हैं, सुख भोगती हैं, तो वो अपनी ही हड्डियां चूसती है, अर्थात उनकी अपनी ही शक्ति छीण होती है। जो शक्ति छीण होती है वो अल्पकाल के लिए समझते हैं हमको बहुत सुख मिला है, लेकिन बहुत जल्दी बुढ़ापा आ जाता है। तो अल्पकाल का सुख मिलता है या दीर्घकाल का सुख मिलता है? अल्पकाल का सुख मिला, अपनी ही हड्डियों को कमजोर कर लेते हैं। जब मनुष्य की हड्डियां कमजोर होती हैं, तो नौजवान बनता है या बुढ़ा बन जाता है? बूढ़ा हो जाता है। बूढ़ा आदमी कमजोर होता है या नौजवान कमजोर होता है? बूढ़ा आदमी कमजोर हो गया। तो काम विकार भोगने से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और राग मछली क्या होती है? राग मछली, राग मछली, सुना? काकी मछली कौन सी मछली? काग की मछली। ये शब्द कहाँ से आया है? क्या खग्गा मछली? हाँ, खग्गा मछली उसे कहते हैं। मछलियों में एक जाति खग्गा मछली की होती है जो इतनी मोटी चमड़ी की होती है कि उसे खौलते हुए तेल में, बॉइल्ड ऑयल में डाल दिया जाए तो थोड़ी देर तैरती रहेगी, देखने वाला समझेगा मर गई, लेकिन थोड़ी देर के बाद उछल के बाहर आ जाएगी। उसकी मोटी चमड़ी में तुरंत तेल असर नहीं करता, फिर जब गर्म हो जाती है चमड़ी तो असर करता है और उछल के बाहर आ जाती है, उसको कहते हैं खग्गा मछली। ऐसे ज्ञान में चलने वाले खग्गा मछली भी होते हैं कि ज्ञान में चलते रहेंगे, तैरते रहेंगे, तैरते रहेंगे, और फिर एक टाइम आता है उछल के ज्ञान से बाहर चले जाते हैं। उनको बाबा ने कहा है खग्गा मछली। उनकी बुद्धि में पूरा ज्ञान बैठता नहीं है, तो
जब टाइम आता है तो ज्ञान छोड़ करके चले जाते हैं अचानक। बाबा ओम राधे मम्मा में शिव बाबा प्रवेश करके ये पॉइंट्स निकालते हैं क्या कि आत्मा का बाप ज्योति बिंदु आत्मा है। लाल लाइट का गोला नहीं, ओम राधे जन्म से ही पवित्र थी, पवित्र कन्या थी या अपवित्र थी है? अगर कहें पवित्र थी तो साबित होता है कि पवित्र कन्या में शिव बाबा नहीं आते। अपनी पवित्र बुद्धि के आधार पर उन्होंने ये पॉइंट निकाला क्या कि लाल लाइट का गोला भगवान नहीं है, असल में भगवान बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु ही हो सकता है, लाल लाइट का गोला नहीं हो सकता। और बाई का प्रश्न है, ब्रह्मा बाबा का सोल राम वाली आत्मा में आते हैं जाते हैं ना, उनको राम वाली आत्मा को पता चलता है आना जाना। ब्रह्मा बाबा दुनिया की जितनी माताएं हैं उन माताओं में बड़ी माता है या छोटी माता है? बड़ी माता है। एक तो माता भी बड़ी है, दूसरे तन भी है, पुरुष का है या स्त्री का है? है तन भी पुरुष का है, तो माताओं में देह भान ज्यादा होता है या पुरुषों में देह भान ज्यादा होता है? माताओं में देह का होना बहुत होता है। तो ब्रह्मा बाबा माताओं में सबसे बड़ी माता है, तो जरूर उनमें देह का होना सबसे जास्ते हुआ। अभी समझ में आया? क्या समझ में आया है? है? अरे क्या पूछा है? हाँ राम वाली आत्मा को पता चलता है कि नहीं? जब देवान ज्यादा है तो वो देवान में रहने वाली आत्मा है या राम देवान में रहने वाली आत्मा है? राम तो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है, बीज माने बाप, और वो माता है, धरणी है। तो धरणी जब बाप के संग में आती है, कोई भी कन्या जब पति के संग में आती है तो पति से प्रभावित होती है या अपना प्रभाव पति के ऊपर डालती है? क्या होता है? पति के प्रभाव से प्रभावित होती है। तो पति है बाप बीज बिंदु, तो उसके संग के रंग में आने से ब्रह्मा भी क्या बन जाता है? बिंदु बीज बन जाता है। जैसे शिव बाप बिंदु है,
शिव बाप जब ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं तो किसी को पता चलता है कब आया कब गया? ब्रह्मा को पता चलता है? ब्रह्मा को भी पता नहीं चलता। तो ऐसे ही ब्रह्मा की आत्मा जब बीज रूप राम बाप के संग में आती है तो बीज रूप बन जाने से कोई को पता नहीं लगता है कब आई और कब चली गई। राम वाली आत्मा को भी पता नहीं चलता, हाँ बाद में पता चलता है कि ये ज्ञान की भूल ब्रह्मा बाबा के द्वारा हुई है या मेरे द्वारा हुई है। मुरलियों में भी शिव बाबा बोलते थे ये ब्रह्मा बीच में इंटरफियर करके बोलता है। तो जब इंटरफियर करके ब्रह्मा बोलता है तो गलत बात बोलेगा सही बात बोलेगा? है गलत बात बोलता है। और किसी को पैसे देते हैं तो 101 501 आसार एक क्यों जोड़ा जाता है? एक बात पूरी होने दो। सौ के साथ एक जोड़ा जाता है, हजार के साथ भी एक जोड़ा जाता है। एक ही जोड़ा जाता है कि कुछ और भी जोड़ देते हैं कभी कभी? 108 भी जोड़ते हैं, हजार के साथ 8 भी जोड़ देते हैं। तो इससे साबित होता है कि 100 के साथ जब तक एक नहीं जुड़ेगा तब तक वो 100 कोई काम के नहीं है। 100 है उसमें से एक हटा दिया जाए क्या वैल्यू रहेगी? है जीरो जीरो। हजार है उसमें से एक अंक हटा दिया जाए तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इसलिए जब किसी को देते हैं कुछ है, तो 100 दें या हजार दें एक जरूर जोड़ेंगे। और बाबा जब ब्रह्मा की सोल बीज रूप स्टेज बन जाते हैं ना क्यों इंटरफेयर करते हैं? हैं इंटरफेयर क्यों करते हैं? राम वाली आत्मा बीज रूप नहीं बनती है क्या? हाँ तो उसकी आदत पड़ी हुई है इंटरफेयर करने की। सारा संगम युग इंटरफेयर किया है या नहीं किया है? बच्चा बुद्धि से इंटरफेयर किया है या समझदार बनकर के इंटरफेयर किया है? तो यहाँ भी इंटरफेयर करेगी। शिव बाबा ऊंचा या प्रजापिता ऊंचा? शिव बाबा ऊंचा। तो शिव बाबा को ही इंटरफेयर कर देती है तो प्रजापिता को इंटरफेयर करना बड़ी बात है क्या? बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं। और ब्रह्मा बाबा का कनेक्शन जिगरी कनेक्शन अपनी बड़ी बहन से ज्यादा था बचपन से लेकर के या दूसरी माता से ज्यादा था? है बड़ी बहन से ज्यादा कनेक्शन था। और ज्यादा किसको परखा जीवन में? सारा जीवन बड़ी बहन को परखा या दूसरी माता को परखा? बड़ी बहन को ज्यादा परखा। तो जिस पे ज्यादा विश्वास होगा उसी को बताएगा ना? कोर्स बुक में हाँ
बड़ी माँ से ऐसे समझ तो है, बड़ी माँ से कहने छोटी माँ ने बड़ी माँ को बताया। छोटी माँ बोल बोल करने वाली नहीं और बड़ी माँ बोल बोल करने वाली थी, बड़ बोली थी, इसलिए उसने प्रजापिता को बताया। और गवर्नमेंट को ये रिलीजियस क्यों, गवर्नमेंट को ये रिलीजियस क्यों कहा? आज की जो गवर्नमेंट है वो आर्य समाजियों की गवर्नमेंट है या और धर्म वालों की गवर्नमेंट है? हैं? आर्य समाजियों की गवर्नमेंट है। जो आर्य समाजी होते हैं वो भगवान के साकार रूप को मानते हैं, हैं? नहीं मानते हैं। न मानने के कारण उन्होंने सब धर्म वालों को निमंत्रण दे दिया कि कोई भी धर्म वाला, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम उसको हिंदू बना लेंगे। सब धर्मों को आमंत्रण दे करके हिंदू बना लिया। तो कौन सी आत्मा हिंदू बनी होंगी? जो जन्म जन्मांतर कन्वर्ट होती रही है दूसरे धर्मों में, नीचे गिरती रही है, वो आत्माएं आर्य समाज में आई होंगी या कभी कन्वर्ट ना हुई हो वो आई होंगी? हैं? जो जन्म जन्मांतर कन्वर्ट होती रही वो ही कच्ची आत्माएं आर्य समाज में आ जाती है। उनके संस्कार हैं उनके अंदर, किसी धर्म पर उनको आस्था टिकती नहीं है। 2500 वर्ष पहले इस्लाम धर्म आया, इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो गई। 200-250 वर्ष के बाद बौद्ध धर्म आया, बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो गई। क्राइस्ट आए, क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हो गई। आज के नेताओं का जैसा हाल है, जहां देखी तवा बरात वहीं बिताई सारी रात, जो पार्टी उनको ज्यादा पावरफुल लगती है वहीं पार्टी बदल करके चले जाते हैं। निश्चित रूप से एक पार्टी में रहते हैं या बदल बदल करते रहते हैं। ऐसे ही वो कच्ची कन्वर्ट होने वाली आत्माएं आर्य समाज में आ गई, तो वो किसी एक धर्म को मानने के संस्कार उनके अंदर हैं या नास्तिक जैसी आत्माएं हैं? नास्तिक जैसी आत्माएं हैं, उन्हें किसी धर्म पर कोई विश्वास नहीं है। इसलिए जो सत्ता स्थापन होती है, जो राज्य स्थापन होता है, उस राज्य का नाम ही रखा हुआ है धर्म निरपेक्ष राज्य। कैसा राज्य? हमको किसी धर्म की अपेक्षा नहीं है। तुम कोई भी धर्म अपनाओ, हमको वोट देते रहो। तो समाधान हो जाता है कि आज की गवर्नमेंट इररिलीजियस है, किसी धर्म को मानने वाली नहीं है। और बैगत के वोट क्या बाबा? हैं? बैगत के वोट, बैगत, बैगत के वोट, वोट मना किया, बैगत में वोट मना किया, बैगत का वोट, हक में वोट डालेंगे बाबा, बैगत का वोट, 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 बैगत का वोट। अपने अंदर जो आस्था है
वो आस्था प्रकट करो। बाबा कहते हैं वोट डालो, गीता का भगवान कृष्ण या गीता का भगवान शिव बाबा, वोट डालो। तो अपनी सम्मति देना, यही वोट डालना है। और एक है 2026 में आएगा या 2018 में? है का जो है राजधानी कब बनेगी? राजधानी सिर्फ राजा से बन जाती है या राजधानी प्रजा भी तैयार होती है तब बनती है? तो राजधानी सन 17-18 में स्थापन हो जाएगी या 40 से 50 वर्ष लगते हैं तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में? ये तुमको कितनों से कहा होगा? 1, 2, 4, 8, 108 से कहा होगा। ये सभी आत्मा बनने वाले बच्चों से कहा होगा है? जो भी आत्मा रूपी बच्चे बनते हैं, जो पहले जन्म की संगमयुगी स्वर्णिम स्वर्ग की जो प्रजा है, वो सारी प्रजा से बाबा ने बोला तुम बच्चे, वो आत्मिक स्टेज धारण करने वाले बच्चे हैं या देवान में रहने वाले बच्चे हैं? जो पहले जन्म की प्रजा होती है उसमें भी कोई खसूसियत होती है। क्या खसूसियत होती है? हैं? जो और धर्मों की प्रजा में नहीं है, और धर्मों की प्रजा ज्ञानी तू आत्मा नहीं होती है, और जो सूर्यवंशी प्रजा है वो सब ज्ञानी तू आत्मा है। आत्मिक स्थिति के पक्के बन जाते हैं। और धर्म की आत्मा आत्मिक स्थिति में पक्की नहीं बनती, इसलिए स्वर्ग में आते हुए भी दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि आत्मा में देहभान रह जाता है परसेंटेज में। और जो पहले जन्म की प्रजा है, संगम युग की जो प्रजा है, विश्व के बाप की जो प्रजा है, उसमें कोई भी देहभान नहीं रहता। देहभान न होने के कारण वो बाप से डायरेक्ट वर्षा लेते हैं। और धर्म की आत्माएं डायरेक्ट वर्षा नहीं लेती है। तो समझा जा सकता है कि 2016-17-18 में होगा या पूरी राजधानी 10 वर्ष में होगा। 10 वर्ष पूरे होंगे तब ही पूरी राजधानी स्थापन होगी, क्योंकि राजाएं जब तक तैयार न हो, संपूर्ण न बने, तो प्रजा भी संपूर्ण नहीं बन सकती। राजाएं संपूर्ण बनते हैं, राजाओं के साथ साथ राजाओं की प्रजा भी संपूर्ण बन जाती है। और बाबा संगम का लक्ष्मी नारायण है ना, कैसे आता है तब देखेंगे शिव का विवाह होता है या शंकर का विवाह होता है? विवाह किसका होता है? हैं? शंकर का विवाह, शंकर के साथ पार्वती। तो जो पार्वती है उसका बाप कौन गाया हुआ है?
हिम आलय, हिम माने बर्फ, आइस, आलय माने घर, हिमालय का घर हिमालय में ही होगा, हिमालय में बर्फ जमी हुई है, तो कौन हुआ हिमालय? ब्रह्मा बाबा का जो बुद्ध रूपी स्थान है उसमें बर्फ जाम है, वो पानी बहता नहीं है, बर्फ जमी हुई है, इसलिए हिमालय है। उस हिमालय की पुत्री पार्वती गाई हुई है। तो उसने अपना सारा जीवन कहां बिताया? हिमालय ने, मैदान में बिताया या पहाड़ पे बिताया? पहाड़ पे बिताया। तो पहाड़ हो गया जहां ब्रह्मा रूपी हिमालय ने सारा जीवन बिताया, वो पार्वती का घर हो गया। अब शंकर की बारात कहां जावेगी? अरे बारात कहां जाती है, है? अरे लड़के के घर में जाती है या लड़की के घर में जाती है? कन्या के घर में जाती है। तो शिव बाबा की बारात कहां जावेगी, है? वहीं जावेगी, जहां जावेगी वो ही साकार परम धाम हुआ। और जाना है या नहीं जाना है? जाना तो है, तैयार बैठे हैं, है? वो कब ऐसा टाइम जब बोरिया बिस्तर समेट लें। अभी बैग एंड बैगेज बढ़ाते जा रहे हैं या समेटते जा रहे हैं? क्या हो रहा है? और बढ़ाते जा रहे हैं, बैंक बैलेंस बढ़ाते जा रहे हैं या ईश्वरीय सेवा में लगाते जा रहे हैं? है? क्या हो रहा है? ईश्वरीय सेवा में लगाते जा रहे हैं, कुछ जमा नहीं कर रहे हैं, है? तो जो जमा नहीं कर रहे हैं वो बारात में आगे आगे जावेंगे, और जो जमा करने में लगे हुए हैं उनका लगाओ, उसे जमा पूंजी में लगेगा, बोरिया बिस्तर टाइम पर नहीं बन सकेगा। जो एक ट्रेन चलेगी उस ट्रेन में वो बोरिया बिस्तर जल्दी से नहीं डाल पाएंगे, बाकी बारात में पहले जावेंगे, और जावेंगे तो सब, कोई पहले जावेंगे कोई बारात जाती है ना, तो पूरी बारात वर के साथ में होती है या आगे पीछे होते हैं? आगे पीछे होते हैं, तो यहां भी आगे पीछे हो जाएंगे। और ओम शांति।